कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरी। हेलो सर, मैं ना सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो टाइम पे ही निकल गई थी। ऑटो वाले भैया ने CNG भरवाने में देर कर दी। फंस गई ना बच्ची। रागिनी की बच्ची बॉस की लैंडलाइन से फोन कर रही है। खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। रख, 1 मिनट पराठा खा के जा, वरना वहाँ काम करते करते फेंट हो जाएगी। बेबी टाइम नहीं है, और आजकल तो ना ऑटो रिक्शा वाले भी नहीं मिलते। सुन तो। ओ बेबी, वो ना टेली मार्केटिंग वाले, तो प्लीज ऑर्डर रखवा लियो। बाय बाय। बाय। ऑटो ऑटो भैया खाली है। बाबूजी, अरे 1 घंटे से आपको दिल्ली घुमा रहे हो, अब तो बता दो कहाँ जाना है। हेलो हेलो बाबूजी, हेलो। वैसे कहाँ पहुँच गए हम? चांदनी चौक, लाल किले के पास। चांदनी चौक? हाँ भैया जी, आप परफेक्ट। जन पे चलोगे? प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना, प्लीज चलो। जी मैडम चलेंगे, पहले इनसे पैसे तो ले लूं। भाई साहब आप निकलेंगे, इतना टाइम नहीं है। क्या खुशबू है यहाँ की। खुशबू? NDMC का कूड़े वाला ट्रक निकला है बाजू में से। एंड हेलो, जल्दी करो, बाहर निकलो यहाँ से। रिक्शा से बाहर आ रहा हूँ, रॉकेट से नहीं। पता पता, आप प्लीज चलिए। पैसे निकालो जल्दी। अरे जल्दी करो भाई। हेलो, स्लो मोशन जल्दी करो ना, टाइम नहीं है मेरे पास। पर्स नहीं है मेरे पास। हैं? हाँ पता है मुझे, इन्हें जानती हूँ मैं। कब से? अभी इस टाइप के लड़कों को। अच्छा। एक नंबर की चांट होती है, जेब से फुकरे और आईडेंटिटी 1 जेब बोन वाली रफ्तार। रिलैक्स मिस परेशान। तुमने मुझे परेशान कहा? दोस्त, हाँ? अगर मैं तुम्हें किराए की जगह एक अमेजिंग पेंटिंग गिफ्ट करूँ तो कैसा रहेगा? पेंटिंग? शानदार ड्राइवर की जानदार सवारी के साथ पेंटिंग। सुबह 9 बजे चांदनी चौक के बीच सड़क में तुम ऑटो वाले की पेंटिंग बनाओगे, कितने बड़े वेले हो यार। वो तो मैं हूँ, पर तुम बुरा मत मानो, चाहिए तो तुम्हारी भी एक पेंटिंग बना कर देता हूँ, परेशान एक्सप्रेशन वाली। क्या सर? हाँ हाँ ले लो मेरी, मेरा पर्स, ऑटो ड्राइवर, चोरू चक्के। करीना सब ठीक है ना? नहीं सर, पर मैं डेफिनेटली ठीक हो जाऊंगी। This is for you, Miss Parishan. चलो। हाय रब्बा, इस वेले की वजह से आज प्रमोशन चली जानी है। ये वेला कौन है? बॉयफ्रेंड। फाइनली तेरी बोरिंग वीरान लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग। चुप कर यार, कोई नहीं है। मिस करीना, बॉस आपका आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। हाय रब्बा, गई आज मेरी प्रमोशन। सॉरी सर। डियर, नॉक करके तो आया करो। गिव मी 3 good reasons कि मुझे तुम्हें क्यों प्रमोट करना चाहिए। लो सर, 3 good reasons आपको तो पता है, एक बार मैं बोलना शुरू कर दूं तो शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे रुकने का नाम नहीं। एक मिनट करीना, तुम्हारी गाड़ी हमेशा ऑफ ट्रैक क्यों चली जाती है? खैर छोड़ो करीना, तुम्हें पता है तुम्हारे और रॉकी जी के बीच में कितना बड़ा कंपटीशन है इस फैशन हाउस के हेड डिजाइनर की पोस्ट के लिए। एंड माय डियर, रॉकी जी के लिए
हैवी रिकमेंडेशन है सीईओ की तरफ से, तो अब इट्स फाइन सर, मैं और मेहनत करूंगी। ओके सर। एक मिनट, जा रही हो इसीलिए बिना तारारीरा, चेक इट आउट। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम सर। इससे मैं लोन के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी ना? हाँ, बट आई होप यू नो करीना, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। देना पड़ता है? आई मीन टाइम, मोर कमिटमेंट। सर दूंगी ना, डेफिनेट कमिटमेंट दूंगी। ओके करीना, वैसे तो प्रोफेशनली हम करीब आ ही चुके हैं, लेकिन मैं पर्सनली तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ। मतलब सर? मतलब जैसलमेर में कल हमारा सेमिनार है, तो मैं चाहता हूँ हमारे फैशन हाउस की हेड डिजाइनर हॉट लगे। सो बेबी टेक इन ऑफ, गो टू अ सैलून, गो टू अ स्पा एंड ब्यूटिफाई योरसेल्फ, ऑल इन द हाउस, आई प्रॉमिस। मैं नैंसी से कह के कल की टिकट्स बुक कराता हूँ। नैंसी, हाँ जी। आइडिया बुरा नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपके साथ गई तो मेरे पति पति नाराज हो जाएंगे। पति? अब पति कहाँ से पैदा हो गया तुम्हारा? सर पिछले हफ्ते हुआ, रोका हो गया मेरा। किस कमीने से? I mean, किसके साथ हुआ तुम्हारा रोका? सर अरेंज मैरिज है ना, सिर्फ फोटो देखी थी। तो क्या करते हैं तुम्हारे ये होने वाले पति? पति 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 कहाँ से लाऊं? तुम्हारी भी एक पेंटिंग बना कर देता हूँ, परेशान एक्सप्रेशन वाली। पेंटर है सर। पेंटर? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट सर, आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट। राइट। आर्यन। हाँ, वही। बड़ी पोसेसिव है सर। अगर मुझे किसी पराए मर्द के साथ देख लेना तो हाथ पैर तोड़ देते। किसके? तुम्हारे? नहीं सर, पराए मर्द के। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट क्लास आर्टिस्ट है, इतना बड़ा दिल है उनका कि किसी भी राह चलते को पेंटिंग गिफ्ट कर देते फ्री में। परफेक्ट। तुम्हारे होने वाले पति रहते कहाँ हैं? घूमते रहते सर, फिलहाल मेरे ही घर में। हाय। 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 ओए कोई मार गया जो हाय हाय कर रहा है? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि नमस्ते आंटी जी। मैं पेंटर हूँ। ओए अब क्यों आया? हम तो दिवाली से 3 दिन पहले ही कार पेंट करा लेते हैं। हाँ, वो वाला पेंटर नहीं, मैं पोर्ट्रेट, स्केचेस, लैंडस्केप ये सब पेंट करता हूँ। आपके घर में 3 दिन के लिए रहना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं फ्री में पेंटिंग करने के लिए, चोर उचक्के कहीं के। पापा जी। ओ तुसी आ गए? सामने वाले घर दे विच कोई नॉर्मल आदमी आएगा बात करने दे वास्ते। अच्छा, लगता है आपको बेबे के दर्शन हो गए। हाँ जी। वैसे नॉर्मल तो नहीं है, पर उनकी बड़ी बेटी जो घर बार का काम देखती है। तो कहाँ मिलेंगे ये देवी जी? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट हो गई और बताया नहीं, शादी कब है? तू ना 24 घंटे अपने कान बॉस के कैबिन के बाहर लगाए रख, बस काम नहीं है ना तुझे कोई और? यही तो काम है। आई मीन लड़का कौन है? एक्सक्यूज मी, वेयर्स करीना सूद? There she is, our drama queen. Miss Pareshan. Aryan. Ragini. Just scan this. And get back to me. तुम बड़ी friendly हो रही हो तुम?
आर्यन, तुमसे एक घंटे की दूरी एक साल जितनी लंबी रखती है। ये सब करो ना वापस। स्कैन इट प्लीज। कम कम मीट हिम सर, इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे। ऑफ कोर्स आर्यन। हाय। हाय आर्टिस्ट, आपके होने वाले पति जो बहुत पोजेसिव है और किसी भी पराए मर्द के हाथ पैर तोड़ देते हैं। क्या? सर अब क्या करें, प्यार में इतना तो अलाउड है ना, है ना बीवी? हाउ स्वीट। वैसे आर्यन, अगर करीना मेरे साथ सेमिनार के लिए जैसलमेर जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं आए, क्योंकि मैं बड़ा पोसेसिव हूं तो मैं पराई मर्दों के हाथ पैर तोड़ देता हूँ। इंटरेस्टिंग, आपके साथ बातचीत करके बड़ा मजा आएगा। लगाए ना लगे कैसी आगे इश्क, बुझाए ना बुझे कैसी आगे इश्क, लगाए ना लगे कैसी आगे इश्क, बुझाए ना बुझे कैसी आगे इश्क। वैसे इस फ्राइडे हमारी ऑफिस पार्टी है, सो व्हाई डोंट यू जॉइन इन आर्यन? सर वो क्या है ना कि आर्यन को पार्टीज बिल्कुल पसंद है। Oh, really? So welcome my friend. See you at the party. Yeah. वैसे मैं कोई पराया मर्द नहीं, मैं बस एक friendly boss हूँ, right my dear? Right. See you. See you on Friday. ये क्या ड्रामा था? ड्रामा? ये तो मेरा पूछना बनता है, ये क्या ड्रामा था और तुम यहाँ पर क्यों? Why? मैं तो you know what? सब बताए मुझे, पहली बार मुझे देखा होगा और एकदम फ्लैट हो गए होंगे, तो तुम मेरा पीछा करती करती यहाँ तक चले आए। You know what? Don't even try, because मैं वैसी टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। Right. तुमने पहली बार मुझे देखते ही मंगेतर बना लिया, थोड़े दिन बाद हस्बैंड बन जाऊंगा। वैसे आई डोंट माइंड, मुझे थोड़ी पागल लड़कियां पसंद है। लेकिन मुझे वेले लड़के पसंद नहीं है ना। कूल, तो मुझे पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो, अच्छा पार्टी में फियांसे बनकर आ जाना, ओके? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? बॉस से बचने के लिए करना पड़ेगा, और वैसे भी तुम वेले हो तो आ जाना। अच्छा प्लीज, एक बार फिर से कहो प्लीज, तुम्हारे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। That's it. लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बेबी ये मेरे बॉस के बेटे, इसी ना पेंटिंग बनानी है चांदनी चौक की, कहता है हमारे छत से अच्छा व्यू मिलेगा। पुत्र जी आसे से अपना ही घर समझना। हाँ जरूर आंटी जी। ना 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 आंटी नहीं, बेबे बोल बेबे। बॉस के बेटे और अपने बेटे में कोई फर्क होता है जी? जी बेबे। मैं तेरे लिए लस्सी लेकर आती हूँ। ए मनु हेल्प मी, हैं? आजा आजा। तुम्हें बीमारी है क्या? कौन सी? झूठ बोलने की। इसी झूठ की वजह से ना तुम्हें इस घर में एंट्री मिली। ओके ओके। लाइफ में अपनी फैमिली के बाद अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मेरा कमरा है। तुम तीन दिन तक यहाँ पर हो, मेरे कमरे की कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ओके? Hasta bien, señorita. क्या? मेरा मतलब ठीक है। वो 3 महीने स्पेन में था तो गलती से स्पेनिश निकल गई। जी मैं फूटी कौड़ी नहीं और मुंगेरी लाल चले स्पेन, भाई क्या बात है। एनीवे ऐसी सारी बातें करके इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। चलो आईडी निकालो। जब तक यहाँ पर हो तब तक बेबी मनु और मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई दिन गया है जिस दिन तुम परेशान नहीं हो मिस परेशान? वाओ कितना ब्यूटीफुली पुरानी और नई दिल्ली मिल रहे हैं। तुम्हें पता है दिल्ली के बारे में एक मशहूर शायर मीर ने कहा था,
कौन जाए जोंक दिल्ली की गलियां छोड़ के। तुम्हें जहाँ इतनी खूबसूरती नजर आ रही है ना, उसकी रियलिटी कुछ और है। बारिश में नालियां भर जाती है, छत पर काई जम जाती है, डेंगू मलेरिया वाले बड़े बड़े मच्छर हो जाते हैं, गर्मियों में फर्श इतना गर्म होता है कि पैर नहीं रख सकते, और सर्दियों में तो पूछो मत, आसपास के सारे पक्षी मानो यहीं आकर अपना सारा पेट साफ करते हैं। कुछ ख्वाब देखे हैं, कुछ रंग सोचे हैं, अब मैंने कल अपने तेरे संग सोचे हैं। इस राह में जब भी तू साथ होती है, किस्सों के पन्नों सी हर बात होती है। रूह जो हुई मेरी फिदा, तो पल में उठी कोई सदा, के दिल से हुआ जुदा जुदा, टूटा मैं इस तरह। सदका किया करनी पड़ेगी। लो जी कोई बात नहीं, हम तो इंसानों को टाइट कर देते हैं, फिर ये कुर्ती क्या चीज है? एक मिनट, मेरे पास एक खास चीज है आपके लिए, फॉल विंटर डिजाइन ओनली फॉर यू। फॉल विंटर, वो क्या होता है? वो सर्दियों में जो फॉल पड़ता है, मिसेस लूला, फॉल फॉल। अच्छा वो। हाँ, मिसेस लूला, आप भी ना बहुत भोले हो। मिसेस लूला, वो जो आप पहनना रही लड़के की बात कर रही थी ना, अपनी करीना के लिए, कब आ रहा है वो? आज ही का, अगले हफ्ते। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? कर लो जी उनसे बात, करीना को आपको मनाना पड़ेगा। एक मिनट मिसेस लूला, ये जो आपकी कुर्ती है ना, इसकी होम डिलीवरी आपके घर में ही करा दूंगी। अच्छा जी, अच्छा, पक्का? हाँ पक्का पक्का। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बेबी, आप ना मेरी डिजाइन चुरा रहे हो। ए चुप कर, जब तू 5 साल की थी तो पहला डिजाइन तूने किसका चुराया था? बोल बोल। ओके बेबी ओके, ये आपकी दुकान है, आपको जो करना है वो कीजिए, ठीक है? हाँ, मेरी दुकान, इसी दुकान के सहारे किसी तरह तुम दोनों को बड़ा कर पाई हूँ। ओहो बेबी, सेंटी मतो अब। हाँ। पुत्र रोटी। जी बेबी। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ओके। बेबी, हाँ? दो किटी पार्टी क्लब से बात हो गई है, वो टेलीमार्केटिंग वाले आएंगे ना, तो जरा टोस्टर का ऑर्डर भिजवा दियो प्लीज। भिजवा दूंगी, भिजवा दूंगी, तू पहले कुछ खा तो ले। हाँ जी, हाँ जी। ओहो बेबी, क्या बीमारों वाली सब्जी बना दी है लौकी की। सब्जी खत्म हो गई थी पुत्र, ये सब्जी तो आर्यन पुत्र लेकर आया है। सब्जी भी इसे गंदी पसंद है। करीना दे बॉस थे, मेरे पापा जी कहंदे सी कि करीना दी शादी दा कोई सीन है। ओ जी, कोई फियांसे शियांसे हैगा दी लाइफ दे विच? ए, तूने अपने लिए कोई मुंडा शुंडा ढूंढ लिया क्या? नहीं बेबी, मेरे पास टाइम कहाँ है, ये कहते कहते टाइम निकल जाना है। ए, सुख सुख बोल, तुसी भी तो कुछ बोलो। कहीं दबी दबी सी, कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी लव स्टोरी। कहीं दबी दबी सी, कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी लव स्टोरी। अभी बारिशों में भीगी तो मैं कुटी तेरी मेरी। छोड़िए बेबे, इसकी तो अपने काम से शादी हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आउ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबे, वो पैर सो गया है। हाय हाय, कमजोरी हो गई है, अच्छे से खा कर। अच्छा जी बेबे।
पहले रोटी खा के जा। बेबे ऑफिस है, अर्जेंट कॉल है प्लीज। हाय हाय, ये लड़की भी ना। हाँ जी। चुप कर हाँ जी की बच्ची। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आप अंदर जाकर पैकिंग खत्म कर दीजिए। जी हाँ। बेटा, मालिक ने इस दुकान के लिए ग्राहक तय कर लिया है। पर चाचा, सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है और मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। इनफैक्ट टेलीमार्केटर का भी बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाले, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। मुझे तो लगता है कि बेबे को बता देना चाहिए कि ये दुकान गिरवी रखी हुई है। नहीं कुलक चाचा, बेबे का दिल टूट जाएगा। बाऊजी के जाने के बाद इसी दुकान के सहारे उन्होंने सब कुछ किया है। एक ना एक दिन तो उन्हें पता ही चलेगा। वैसे भी मालिक ने हमें शनिवार तक का समय दिया हुआ है। हमें माफ कर दो बेटा। अब चिंता मत कीजिए चाचा, मैं ना ऐसा होने नहीं दूंगी। इनफैक्ट जब तक मेरे पास ये जॉब है तब तक मैं सारे पैसे अरेंज कर सकती हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। माना तुम्हें लौकी पसंद नहीं है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन जलेबी तुम्हें पसंद है, ये बेबे से कंफर्म किया है। ऑफिस वालों के साथ साथ घर वालों से भी झूठ बोलती हो? सुनो, बेकार की बातें मत करियो। झूठ बोलती है क्योंकि उससे चीजें आसान हो जाती है, तुम नहीं समझोगे। ओके, पर दूसरों के साथ साथ खुद से भी झूठ बोलती रहोगी या कभी सच को भी एक्सेप्ट करोगी? यस सर। वो असाइनमेंट का क्या हुआ? कल तक असाइनमेंट पूरा हो जाएगा सर। सर, मेरी लोन की बात आगे बढ़ी? हाँ हाँ, कर रहा हूँ, डोंट वरी, सब हो जाएगा। ओके सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बेबे आप ना बड़े हसमुख हो। ओ कमाल हो जी, कमाल। पर एक बात बताओ। क्या? ये आपकी करीना ऐसी क्यों है? तू मुझे बता कि तेरे को किस तरह की लड़की पसंद है। बेबे मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए जो तो रोज मुझसे झगड़ा करे। ये बढ़िया है। कोई मिली? मुझे तो मिल गई है, पर अभी तक मैं उसे नहीं मिला। कुछ नहीं है, वो
कुतुब मीनार पे चाय पीनी थी। क्या? तुम ना मेंटल हो। तुम ना बड़ी खूबसूरत हो। चलो कुतुब मीनार कल चलते हैं। आज केवल चाय पीते हैं। Listen, don't act. बता दूं बेबे को कि मैं बॉस का बेटा नहीं हूं। Listen. बोलो बोलो। कल हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब मालूम है तुम्हें? मुझे चाय का इंतजार है मिस परेशान। रात के 2 बजे है। चाय। थैंक यू। रंगों में डूबा है दिल का शहर, काश थम जाए ये शामों सहर। आंखों में दोनों जहां है जवां, खुद की न लग जाए रब्बा नजर। मिस परेशान, आई कैन बेट ऑन इट कि तुमने दिल्ली में रहकर आज तक कुतुब मीनार इतना करीब से नहीं देखा होगा। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। इन फैक्ट आई हुई हूँ मैं कुतुब मीनार पे। एंड गेस व्हाट मिस्टर आर्यन, ये आर्यन स्तंभ है। कहते हैं कि इसे बैक हक करके विश मांगो तो विश पूरी हो जाती है, बट हाथ मिलने चाहिए। रियली? ओ हेलो, तुम जा नहीं सकते वहां पर, एक काम करो यहीं से विश मांग लो। पीछे। लाइक दिस? प्यार और दुआ मांगने से ही मिलते हैं। ठीक है, तो जब मांगना होगा तब यहीं आ जाऊंगी। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने तुम्हें मांगा मिस परेशान। तुम्हारा दिल कुछ कहे तो उसकी सुनो। तुमने पहली बार मुझे देखते ही मंगेतर बना लिया। थोड़े दिन बाद हस्बैंड बन जाऊंगा। तुम ना मेंटल हो। तुम ना बड़ी खूबसूरत हो। जब तुम्हारा दिल कुछ कहे तो उसकी सुनो। चाय? वो भी बिना बोले?
वो कल तो तुम ऐसे भी जाने वाले हो, सोचा आखिरी बार चाय बना दो। वाव, नाइस। चलती हूँ फिर। एक बार अपने दिल की सुनो। तुम ऐसी अच्छी लगती हो। रंगों में डूबा है दिल का शहर, काश थम जाए ये शामों से है। आंखों में दोनों जहां है जवा, खुद की न लग जाए रब्बा नजर। कैसा जब एहसास है दिल में जगी एक आस है। कैसा जब एहसास है दिल में जगी एक आस है। लगाए ना लगे कैसी आगे इश्क, बुझाए ना बुझे कैसी आगे इश्क। लगाए ना लगे कैसी आगे इश्क, बुझाए ना बुझे कैसी आगे इश्क। एक बार कह दो कि आई लव यू, सब कुछ सिंपल हो जाएगा यार, प्लीज एक बार। मैं प्यार में बिलीव नहीं करती। सो गुड नाइट। तो अभी अभी हमारे बीच जो हुआ वो क्या था? गलती बीच में डील हुई थी ना आर्यन, कल ये डील खत्म हो जाएगी, हम पार्टी में जाएंगे और ब्रेक ऑफ करेंगे, दैट्स इट, बस। बस हो गया। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। है क्या ये जो स्पेशल बने हैं। देख देख आज तो करीना भी नाश्ता कर रही है। हाँ जी बेबी। मां सन के जाए। मेरी लगने लगी
बेचारे। वेलकम स्वीटहार्ट करीना। ओ करीना कंग्रेचुलेशंस, आखिर तुम चीफ डिजाइनर बन ही गई। थैंक यू सो मच मैम। एंड हु इज दिस यंग मैन? माय फियांसे। इट्स ग्लैड टू मीट यू। चार्मिंग, वेरी क्लासी मैम। एक्सक्यूज मी, क्या सही बंदा है बॉस, जैकेट में तो हीरो लग रहा है। सर, वो मेरे लोन की बात आगे बढ़ी। माय डियर, मैनेजमेंट का कहना है कि एक दो महीने लग जाएंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? मालिक ने इस दुकान के लिए ग्राहक तय कर लिया है। जब तक मेरे पास ये जॉब है तब तक मैं सारे पैसे अरेंज कर सकती हूँ। वो मेरे लोन की बात, एक दो महीने लग जाएंगे। लड़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मत लड़ो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम कल चले जाओगे, मैं और मेरी जॉब यही रह जाएंगे। Listen, don't touch. समझ में नहीं आता ना तुम्हें? दुनिया भर में घूमते रहते हो, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। कहते हो कुछ तलाश रहो, तुम्हारी तलाशें कभी खत्म नहीं होने वाली। स्पेन में सेनोरिटा कहीं पे मार्गरिटा थक चुकी हूँ मैं। तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तुम्हारी फ्लर्टिंग का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कहीं तो मौका नहीं छोड़ती यार तुम। अरे यार, दो चार बार हो गया ठीक है, और दुनिया का ऐसा कौन सा कपल है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होते? फैंटास्टिक, बस यही सुनना बाकी रह गया था ना मुझे। तुम्हारे साथ में ऑनेस्टली मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता। और तुम्हें, तुम्हें काम से फुर्सत मिलेगी तो कुछ नजर आएगा ना। झेल नहीं सकती मैं तुम्हें और। हाउ डेयर यू। लड़के एक जैसे ही होते हैं, पहले अपने चार्म से इनोसेंट लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सीन। He looked so soft, but look at how he is really. What? लीजिए, वाइन से नहला रही है ना, तो अपने पतिदेव को नहलाइए। जिस तरह से ये लड़कियों को देखते ऐसे लगते कोई वैसी दरिंदा देख रहा है, मानो कच्चा चबा जाएंगे। करीना, एक नंबर के लिटरल चिपड़े आप। हर बार इनसे कैसे बचती आई हूँ मुझसे पूछिए। And Aryan, he's the sweetest guy I've ever met. उसने सिर्फ मेरा कमरा ही नहीं, मेरी लाइफ बदल के रख दी। जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया दिया है उसने मुझे। And you know what? I really, really, really love him. Oh my God, I love Aryan. बस एक बार कह दो कि I love you. मुझे ये तो मालूम नहीं कि मुझे तुम कहाँ मिलोगे, मगर मांगना कहाँ ये मुझे मालूम है।
तो जब मांगना होगा तब यहीं आ जाऊंगी। मेरा दिल जिसे मिला है वो मुझे मिल जाए रब्बा, हाथ मिले या ना मिले। ऑफिस के लिए लेट हो रही हो? ऑफिस? ले, लाइफ में पहली बार तो टाइम पे पहुंची, वो भी अपनी लाइफ से मिलने। तुम्हें कहते हो ना कि जब दिल बोलता है तो उसकी सुननी चाहिए। मेरा दिल बहुत बोल रहा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बोलता है। जब देखो आई लव यू करता रहता है, चुप ही नहीं रहता, क्या करूं? रंगों में डूबा है दिल का शहर, काश थम जाए ये शामों सहर। आँखों में दोनों जहां है जवा, खुद की न लग जाए रब्बा नजर। कैसा जब एहसास है दिल में जगी एक आस है। लगाए ना लगे कैसी आवेश, बुझाए ना बुझाए। अब बेबी की दुकान का क्या? तुम हो ना, बनाना अपनी पेंटिंग्स। डन। लगाए ना लगे कैसी आवेश, बुझाए ना बुझे कैसी आवेश। कभी बारिशों में भीगी तो महकती तेरी मेरी लव स्टोरी।